नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम टेक स्मार्ट प्रिंट आइडियाज में। दोस्तों आप सब देख रहे होंगे कुछ दिनों से हमारी वीडियो कोई अपलोड नहीं हो पा रही है, मैं आप सबको कोई भी वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। इससे कुछ वजह है जो कि मैं आप सबको वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि आजकल एम टेक स्मार्ट प्रिंट आइडियाज वाले का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है? मैंने आप सबसे वादा भी किया था कि मैं आप सभी को ऑफसेट की एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें आप सभी को मैं ऑफसेट मशीन ऑपरेट करना बताऊंगा और ऑफसेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ऑफसेट मशीन कैसे चलाई जाती है इसकी जानकारी दूंगा, आप सबको मैं ऑफसेट मशीन चलाना सिखाऊंगा और मैंने आप सबसे लेजर मशीन के बारे में भी वीडियो देने के लिए वादा किया था। स्क्रीन की सीरीज हमारी चली रही है जिसमें आप सबको मैंने काफ़ी कुछ सिखा दिया है और अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए। और इसके बाद फिर बाइंडिंग की भी सीरीज है और उसके बाद में फिर कुछ लोग कहते हैं कि डिजाइनिंग भी सिखाइए, तो डिजाइनिंग की भी अभी सीरीज शुरू होगी लेकिन टाइम बहुत लगेगा अभी, क्योंकि पहले प्रिंटिंग की जो सीरीज है उसको पूरी कर दूँ, तो डिजाइनिंग का भी शुरू करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगा आज कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, आप सबके लिए मैं कोई भी नई वीडियो क्यों नहीं लेके आ पा रहा हूँ, क्या वजह है, क्या रीज़न है? मैं सोच रहा था कि आप सबको मैं ये जानकारी ना दूँ लेकिन आज मैं काफ़ी मजबूर हो गया। मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर आपकी नई वीडियो कोई भी नहीं आ रही, क्या रीज़न है, क्या वजह है? हुआ क्या था कि मैंने अभी पीछे कुछ दो तीन वीडियो मैंने पुरानी पड़ी हुई वीडियो अपलोड कर दिया था जो कि उसको अपलोड करने का मेरे इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पास में और वीडियो नहीं थी जिससे की वजह से मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया और मैंने सोचा कम से कम कुछ नई जानकारी आप लोग इससे भी ले लेंगे। जितना आप लोग सोचकर परेशान हो रहे कि एम टेक स्मार्ट प्रिंट आइडियाज वाले को कोई भी वीडियो, तो कहीं उससे ज़्यादा मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि मैं अपने दर्शकों को कोई भी नई वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और नई जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या वजह है मैं नई वीडियो आप सबको क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, क्या रीज़न है जो कि कोई भी वीडियो नहीं डल पा रही है, क्यों ब्रेक लगा हुआ है। दोस्तों मुझे 7 फरवरी को चोट लग गई है जिससे कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। मैं अभी आप सबको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा पैर जो फ्रैक्चर हुआ है, इसमें मुझे अभी पक्का प्लास्टर लगा हुआ है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है, तो जब तक मैं चलने फिरने लायक नहीं हो जाता हूँ तब तक आप सबको मैं नई वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा ये लगता रहता है कि मैं आप सबको कितना जल्दी नई वीडियो दिखाऊं। मेरे पास में पेंडिंग वीडियो पड़ी, मैंने आप सबको काफ़ी सारी वेडिंग कार्ड की वीडियो बनाने के लिए सोचा था, जिस दिन मैं पहुंचूंगा मैं उसी दिन से फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा और आप सबको उसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा। मेरे पास में अच्छे अच्छे वेडिंग कार्ड पड़े हुए हैं जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा और आने वाले समय में आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सबको वेडिंग कार्ड के साथ साथ में पूरी जानकारी सीखने को मिले जो कि आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। अगर आप नए होंगे तो शायद हो सकता है कि आपने हमारी सारी वीडियो नहीं देखी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और जितनी वीडियो मैंने बना रखा है उसको देखिए, उसमें काफ़ी सारी जानकारी आप सबको मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप पुराने हैं तो आप सबने हमारी वीडियो देखा ही होगा, और फिर भी हो सकता है कि कोई वीडियो आपसे मिस हो गई हो, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिए और सीखिए। जब तक मैं वीडियो नहीं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ढूंढिए चैनल पर जाकर जो आपके काम की वीडियो, उसको देखिए और सीखिए। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर, आप उसको देखकर सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हमारी कोशिश भी है कि मैं आप सबको बहुत कुछ सिखाऊँ और एक से एक चीज़ें सिखाऊँ और बारीक बारीक चीज़ें सिखाऊँ। काफ़ी वीडियो बाकी है जैसे मैंने सोचा हुआ है, उस हिसाब से मैं पूरी सीरीज तैयार करूँगा, बनाऊँगा, सारी वीडियो बनाऊँगा और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने सोच रखा कि आप सबको मैं इतना कुछ सिखा दूं कि आप कंप्लीट मास्टर बन जाएं। तो मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी सारी वीडियो फॉलो करते रहिए और सारी वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर आप हमारी सारी वीडियो फॉलो करेंगे और सभी वीडियो को देखेंगे, मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आपको फ्यूचर में कभी भी कुछ भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी अपने आप से करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, इतना मैं आप सबको सिखा दूंगा। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट बात बताई बीच में स्किप रह जाती है, आप स्किप कर देते हैं वो छूट जाती है जिसमें आपको दिक्कत आती है। तो दोस्तों हमारी यही सोच है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखें, फॉलो करें, सीखें और आगे बढ़ें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अगर पुराने हैं तो और अच्छा करें, अपने सेटअप को लगाएं और आगे बढ़ाएं, और अगर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को देखकर नया बिजनेस शुरू करें, अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ इनकम अपना स्रोत बनाएं। तो प्लीज़ आप हमारी पुरानी वीडियो को देखिए और उसको फॉलो करते रहिए और चैनल पर बनते हुए आप धैर्य बनाए रखें। मैं आप सबके लिए जरूर नई वीडियो लेकर आप लाइक और कमेंट देकर ऊपर वाले से कामना कीजिए कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं और आप सबको फिर मैं नई नई चीज़ें दिखा पाऊं और कुछ नया नया सिखा पाऊं। तो चलिए मैं आप सबको दिखा देता हूं पहले जो मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, आप लोग भी देख लें कि मेरा पैर कैसा फ्रैक्चर हुआ है, क्या प्लास्टर चढ़ा हुआ है। दोस्तों ये देखिए, आप ये हमारे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है जो कि ये प्लास्टर लग चुका है, ये फ्रैक्चर हो गया है और
जिस दिन ये प्लास्टर मेरा कट जाएगा और मैं अपने वर्क पर पहुंचूंगा, तो आप सबको ज़रूर मैं नई नई वीडियो दिखाऊंगा और अच्छी अच्छी जानकारियां फिर से मैं आप सबको दूंगा। तो इस तरह से मेरा पैर जो फ्रैक्चर हुआ, अभी मैं चलने में असमर्थ हूँ, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ। ये सिर्फ वागल के सहारे से थोड़ा बहुत चल फिर सकता हूँ, 2-4 कदम 10 कदम, बस इससे ज़्यादा नहीं चल पाता हूँ मैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऊपर वाले से कामना कीजिए कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो